हमारे पास इस वक्त जैसे हमने 5 मिनट्स का टाइम दिया था पूरा हुआ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हसन, डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर खालिद साहब मौजूद है। अब बाकी सब लोग जो चीज जो पॉइंट उधर हमने डिस्कस किए वो मैंने रीड किए, अभी अभी आपको अपडेट देते हैं जो स्टेप वन वाले थे और उसके बारे में डॉक्टर हसन बोलेंगे। यार जिस तरह से हम लोगों ने जिस तरह से हमने आपके साथ कमिटमेंट की थी, जिस तरह से हमने आपके साथ कमिटमेंट की उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। अब देखो ये पीएमसी है, एक इदारा है, हम इनके साथ लड़ नहीं सकते। हमने जिंदगी सारी इनके साथ चलना है और वो चलने का तरीका टेबल टॉक है, उनको डराना है, अपने मुतालबात मनवाने हैं। हमने कहा था हम सबसे पहले पीआरएमपी की बात करेंगे। उसने कहा कि भाई जॉर्ज यूनिवर्सिटियां ब्लैक, जॉर्ज यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में आएगी, उनको पीआरएमपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी सुबह से। वो मिल गई है, कुछ को मिल गई है। और दूसरी बात जो हुई उसमें जॉर्ज यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट में है। उसने कहा है जॉर्ज यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट में, हम जब ग्रीन और ब्लैक कर लेंगे, ब्लैक वालों के लिए हम अल्टरनेटिव पाथवे निकालेंगे और मेरा आप लोगों के साथ प्रोमिस है, मैं उनको सिस्टम के अंदर लाऊंगा। तीसरी बात उसने ये बात की कि स्टेप वन वालों की जिसका कोई बेसिक क्लियर है एनएलई, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एनएलई एक होगा लोकल के लिए और एफएमजी के लिए। दूसरी बात उसमें जिस बंदे का बेसिक जिस तरह से क्लियर है उसमें मैं आपको छोटी दूंगा। और ये तीन बातें, चौथी बात इससे पहले उसने ट्वीट की है कि जिन लोगों ने एनईपी वन की फीस जमा करवाई है वो